को जब आपने हाँ किया, कॉन्सेप्ट सुनने पे हाँ किया, या ये फिल्म राज शांडिल्या ने लिखी है और डायरेक्ट करी है ये रीजन था, या फिर पूरी कहानी सुनने के बाद फिल्म के लिए हाँ किया? सो हाउ मेनी मिनट्स एक्चुअली डिड यू टेक टू से यस? नॉट मेनी एक्चुअली, इट वाज एन इंस्टेंट यस फॉर मी आल्सो, क्योंकि जो तीनों चीजें आपने बोली ना वो तीनों ही रीजंस थे, और काफी और रीजंस भी थे. एक्टिंग वाइज चैलेंजिंग भी था, कॉमेडी डिफिकल्ट है किसी भी एक्टर के लिए, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को हंसाना. तो मन करता है कि यार ट्राई करो समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट यू हैवन डन बिफोर. और ऑफ कोर्स राज शांडिल्या अगर आपको डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको और क्या चाहिए. कभी आप कुछ सीन पढ़ के आए और अगले दिन डायलॉग ही कुछ और है. ओह माय गॉड. तो यार यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज कि यार आज क्या होने वाला है. पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, किसी से भी मांग लूंगा. सो इस तरह के जब वन लाइनर्स, तो जब ये डायलॉग्स आप बोलते हो, अगेन बोथ ऑफ यू, तो क्या पता होता है कि ये डायलॉग लोग सालों तक याद रखने वाले हैं, ये आइकॉनिक बनने वाले हैं? हमको मजा आता है फॉर श्योर करने में. तो लगता है कि शायद कि हमको क्योंकि मजा रहा इतना परफॉर्म करने में इन सीन्स को विद दीस डायलॉग्स, तो लगता है कि शायद ऑडियंस को भी आएगा, बिकॉज़ हम भी इन वे ऑडियंस हैं ही. तृप्ति दिमरी, कोई मैट्रिमोनियल एड देंगी तो उसमें क्या लिखा होगा? मैट्रिमोनियल एड नहीं दूंगी मैं. भगवान ना करे. You want to say something about जो पवन सिंह के साथ गाना आया है और जो शनाज गिल का गाना है? No, of course, it's a great track. Oh, मेरी क्यूटी. I think when I heard it for the first time also, I instantly liked it. I thought the grooves are great, the beats, the whole programming and producing part of it. I really enjoyed it. एक गुड एंटरटेनर फिल्म में हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें एक अच्छी कहानी चाहिए होती है, अच्छे एक्टर्स चाहिए होते हैं, बढ़िया सी कॉमेडी हो और खूब सारा हिट म्यूजिक हो. और ये सब आपको देखने को मिलेगा विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में. और आज विक्की और विद्या पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स में मौजूद है. आइए उनका स्वागत करते हैं. राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी, बहुत बहुत स्वागत है. कैसे हैं आप? थैंक यू. बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. और राज, ये तो साल आपका ही लग रहा है. हम आई थिंक आई एम मीटिंग यू फॉर द थर्ड टाइम. स्त्री टू था उससे पहले, माही पिक्चर थी, मिस्टर मिसेज माही, और उसके अलावा एक और श्रीकांत उसमें भी थे. सो हाउ इट हैज बीन, कैसा लग रहा है आपको? इट्स बीन ग्रेट. आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो दीस फोर फिल्म्स हैव रिलीज एंड each film is so different from one another, and that's what I want as an actor from myself also, that I do a variety of work where I don't get bored of myself, you know. Exactly. मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब एक एक्टर की बहुत सारी फिल्म्स होती हैं तो क्या ये प्रेशर होता है कि कहीं काम सिमिलर तो नहीं लग रहा है? More than pressure, it's for myself also. Like, I don't want to get bored of keep doing the same thing. It will become very monotonous otherwise for me. That's why I look for scripts which can offer me something new, which can challenge me as an actor. Right. Because I feel that's where the fun is of being an actor. अच्छा, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि इस फिल्म को जब आपने हाँ किया, कॉन्सेप्ट सुनने पे हाँ किया, या ये फिल्म राज शांडिल्या ने लिखी है और डायरेक्ट करी है ये रीजन था, या फिर पूरी कहानी सुनने के बाद फिल्म के लिए हाँ किया? सो हाउ मेनी मिनट्स एक्चुअली डिड यू टेक टू से यस? नॉट मेनी एक्चुअली. इट वाज एन इंस्टेंट यस फॉर मी आल्सो, क्योंकि जो तीनों चीजें आपने बोली ना वो तीनों ही रीजंस थे, और काफी और रीजंस भी थे, बट आई थिंक ये फुल पैकेज किसी भी एक्टर के लिए, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फिल्म. एक्टिंग वाइज चैलेंजिंग भी था, कॉमेडी डिफिकल्ट है किसी भी एक्टर के लिए, बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को हंसाना. तो मन करता है कि यार ट्राई करो समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट यू हैवन डन बिफोर. और ऑफ कोर्स राज शांडिल्या अगर आपको डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको और क्या चाहिए. मतलब दैट मैन इज जस्ट टू गुड. एवरी डे ऑन सेट वो इम्प्रोवाइजेशन में इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया आइडियाज मिलते रहते हैं, और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. कभी आप कुछ सीन पढ़ के आए और अगले दिन डायलॉग ही कुछ और है. ओह माय गॉड. तो यार यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज कि यार आज क्या होने वाला है. तो आई थिंक वो नर्वस एनर्जी बहुत जरूरी है हर एक्टर के लिए, ताकि वो नई नई चीजें सीख सके. अच्छा, फिल्म का ट्रेलर जब देखा ना, तो ऑब्वियसली इट्स रिटन बाय राज शांडिल्या, तो इसमें वन लाइनर्स बहुत अमेजिंग है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, किसी से भी मांग लूंगा. सो इस तरह के जब वन लाइनर्स, तो जब ये डायलॉग्स आप बोलते हो, अगेन बोथ ऑफ यू, तो क्या पता होता है कि ये डायलॉग लोग सालों तक याद रखने वाले हैं, ये आइकॉनिक बनने वाले हैं? नहीं, हमको मजा आता है फॉर श्योर करने में. तो लगता है कि शायद कि हमको क्योंकि मजा रहा है इतना परफॉर्म करने में इन सीन्स को विद दीस डायलॉग्स, तो लगता है कि शायद ऑडियंस को भी आएगा, बिकॉज हम भी इन वे ऑडियंस हैं ही. हम भी रीडर हैं ही जब हम पढ़ते हैं, तो अगर हमको मजा आ रहा है तो ऑडियंस को भी आएगा, ये कहीं ना कहीं एक आइडिया रहता है.
तृप्ति आप ऐसे हाईलाइट करके रखती हैं कि ये वाला डालो? नहीं, हाईलाइट तो नहीं, बट जैसा कि राज ने बोला मजा बहुत आता है. हम लोग ना बाकी लोगों के रिएक्शंस देखते थे जब हम परफॉर्म कर रहे होते थे, तो अगर कोई और एक्टर्स हैं साइड में तो हम उनके रिएक्शंस देखते थे कभी कभी कि लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है. वो अंदाजा लग जाता था. ये नहीं पता था कि कुछ लाइंस इतनी ज्यादा हिट हो जाएंगी. जैसे आपका आई थिंक वो भी लाइन वायरल हो गई है कि हम डेट पे नहीं जाते, भंडारों में भंडारों पे जाते हैं. सो रिलेटिव मिल रहा है. आपको नेशनल क्रश बोले, भाभी टू बोले, मतलब आपको एक्चुअली में आपका करियर जो है वो डिफाइन किया जा सकता है प्री एनिमल और पोस्ट एनिमल से. जी. सो कितनी लाइफ बदली है आपकी, एक तो वो जानना चाहती हूँ. और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर तृप्ति दिमरी कोई मैट्रिमोनियल एड देंगी तो उसमें क्या लिखा होगा? मैट्रिमोनियल एड नहीं दूंगी मैं. भगवान ना करे ऐसी हो. हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसमें क्या क्वालिटीज लिखना क्वालिटीज लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा, लड़के में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? लड़का ऑनेस्ट होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए. बस दो, बस काफी है आई थिंक एक जिंदगी गुजारने के लिए ऑनेस्ट और अच्छा इंसान. बाकी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं, काफी अच्छे चेंजेस आए हैं. ऐसा नहीं कहूंगी कि पहले काम नहीं था या मैं खुश नहीं थी. पहले भी बहुत खुश थी और अभी आई थिंक कमर्शियल जोन में थोड़ा टैप इन किया है, तो उसमें भी काफी कई नई नई चीजें रोज सीखने को और देखने को मिल रही है. नए नए लोगों के साथ, जिन जिन एक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ मैं विद द वे थिंग्स आर गोइंग. एंड इन द एंड आई वांट टू से कि आई थिंक ये म्यूजिक जबरदस्त है फिल्म का, और आपका तो 3-2 का म्यूजिक भी बहुत अच्छा रहा. आई थिंक इस वेडिंग सीजन हमें सिर्फ राजकुमार राव के सॉन्ग्स शादियों में उसी में डांस करना है हमने शायद, है ना? Yeah, I don't mind. You want to say something about जो पवन सिंह के साथ गाना आया है और जो शनाज सिल्क का गाना है? No, of course, it's a great track. Oh, Meri Cutie. I think when I heard it for the first time, also I instantly liked it. Haan. I thought it, the grooves are great, the beats, the whole programming and producing part of it. I really enjoyed it while listening to it. And then Vijay Ganguly came on board, and then the way he choreographed it along with Pawan sir. I think we had a lot of fun making it. Do din lage hame wo shoot karne mein. And we are enjoying the songs. Main gaadi mein mere mehboob sunte aayi hu loop pe. Nice na. Yeah. Chaliye, all the best. Thank you so much. Itni badhiya badhiya films hamare liye laate rahiye. That's all we want. Thank you. Thank you.